हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपको एक ऐसे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने वाला हूँ जो बहुत टाइम से लोग फेस करते आ रहे हैं, और वो प्रॉब्लम है जॉयस्टिक का। कभी कभी जॉयस्टिक खुद ऑन हो जाएगा मैच जीतने के बाद या फिर रिमोट दिखाने के बाद, कभी कभी जॉयस्टिक स्टक हो जाएगा जब आप बहुत मूवमेंट दिखाओगे। तो ये सारी प्रॉब्लम बहुत सारे लोग फेस करते हैं, मुझे पता होगा आपने भी फेस की होगी, और ये सेम चीज मेरे माउस में भी होती है, मेरे एमुलेटर में भी होती है। तो ये प्रॉब्लम खत्म करने के लिए मैंने बहुत सारी चीजें की, ट्राई की, नई नई चीजें टेस्ट की, उसके बाद मैंने टॉप 4 चीज यहाँ पे पिक की है जिससे ये चीज बहुत ही कम हो जाएगी या फिर ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगी। और वही 4 ट्रिक मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ जिससे ये चीज बहुत ही कम हो जाएगी, जॉयस्टिक एकदम एक्यूरेट हो जाएगा और स्टक बिल्कुल नहीं होगा आपका माउस। और जो मैं आपको 4th एंड लास्ट ट्रिक बताने वाला हूँ वो बहुत अच्छे से काम करती है। वो एक बार आपने अप्लाई कर दिया तो उसके बाद आपका माउस स्टक बिल्कुल नहीं होगा, ऑलमोस्ट रेयरली कभी कभी होगा। मेरा तो वो ट्रिक यूज करने के बाद कभी माउस स्टक नहीं हुआ है, तो एंड तक वीडियो जरूर देखना वो ट्रिक जानने के लिए। और चलो हम चलते हैं फर्स्ट ट्रिक की ओर। तो सबसे पहले हम लोग गेम की कस्टम हुड की सेटिंग देख लेते हैं जो एकदम बेस्ट चलती है, जिससे आपकी जॉयस्टिक की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। तो उसके लिए हम लोग कस्टम हुड में चलते हैं, और यहाँ पे मैंने ये सब चीज़ें आप लोग देख सकते हो कि कहाँ पे रखी हुई है। ये इतनी मैटर नहीं करती किसी को जो लोकेशन है, इससे इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता, जॉयस्टिक वैसे भी काम करेगी, ऐसे करने वाली है। बट एक चीज़ है यहाँ पे जो फायर बटन है ना, उसका आपको जो इम्यूलेटर के अंदर जो बटन रखना है वो यहाँ पे ऊपर रखना है, ठीक है। यहाँ पे मिडल में मत रखना, इसको मिडल में मत रखना, इसको रखना थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर पे एज पे, ठीक है। बस इतना काम कर लेना, इससे आपका जो फायर बटन है वो बेटर काम करेगा। उसके अलावा यहाँ पे जो मैंने जॉयस्टिक रखी हुई है लेफ्ट साइड पे, वो यहाँ पे एकदम कॉर्नर पे रखी हुई है, तो आप चाहो तो यहाँ पे रख सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं। इससे ज्यादा इफेक्ट होती है फिर नहीं होते मुझे पता नहीं है, बट मुझे यहाँ पे पसंद है, मैंने बहुत टाइम से यहाँ पे रखी हुई है, इसलिए मैं यहाँ पे रखता हूँ। आप चाहो तो यहाँ पे भी रख सकते हो, बट इसकी जो साइज है वो एकदम लास्ट में लास्ट जो 10% वाली होती है वही रखना, सबसे स्मॉल साइज रखना, इतनी बड़ी मत रखना क्योंकि इससे आपकी इंटरफियर हो सकती है जॉयस्टिक के प्रॉब्लम में, और हो सकता है जॉयस्टिक ज्यादा स्टक हो जाए अगर आपकी उसकी साइज बड़ी रखी हो। तो इसको 10% पे रखना और सेव कर देना, ठीक है। यहाँ पे इसकी लोकेशन कोई मैटर इतनी नहीं करती है, जहाँ पे रखनी है रख सकते हो आप लोग। उसके बाद यहाँ पे सेव कर लेना है और यहाँ पे इसको एग्जिट कर लेना है। अब चलते हैं हमारे सेकंड टिप की ओर। तो सेकंड टिप है हमारे माउस के लिए। जिनके पास भी गेमिंग माउस है तो उनका सॉफ्टवेयर भी यहाँ पे आता है, तो उसमें कुछ कुछ चीज आप कस्टमाइज कर सकते हो, तो उसकी मैं आपको टिप्स बताने वाला हूँ जिससे आपका माउस ज्यादा एक्यूरेट हो जाएगा और माउस स्टक नहीं होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे जो सेंसिटिविटी है वो आपको कम रखनी है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगर आपका अच्छा माउस नहीं है जिसमें स्टक होता है तो आप 1000 से नीचे रखो यहाँ पे DPI, 800 रखो या फिर 900 रखो। जितनी कम DPI होगी उतना एक्यूरेट माउस होगा और उतना कम माउस स्टक होगा। अगर आपका अच्छा माउस है तभी आप लोग 1000 के ऊपर DPI रखना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पोलिंग रेट है, मैंने बहुत सारे वीडियोस में बताया कि पोलिंग रेट 1000 तक जाता है अच्छे माउस में, बट मैं आपको हमेशा रेकमेंड करता हूँ कि 1000 पोलिंग रेट नहीं रखना है, आपको 500 रखना है। 500 में ज्यादा माउस स्टक नहीं होता, ज्यादा यहाँ पे लैग भी नहीं होता माउस, और ज्यादा अच्छे से काम करता है। और मैं अकेला नहीं बोलता, बहुत लोगों ने टेस्ट कर रखा है, बहुत लोग बोलते हैं कि सबसे बेस्ट यहाँ पे पोलिंग रेट 500 ही होता है। और अगर आपका गेमिंग माउस नहीं तो टेंशन वाली बात नहीं है, नॉन गेमिंग माउस में पहले से ही पोलिंग रेट 500 आता है। अब चलते हैं हमारे थर्ड टिप की ओर, जो कि हमारी ब्लू स्टेक्स इम्यूलेटर की सेटिंग। तो इसकी सेटिंग के अंदर जाते हैं और यहाँ पे आपको सबसे पहले जो चीज़ करनी है वो है डिस्प्ले में, आपकी जो डिस्प्ले है वही रिजोल्यूशन रखना है। मेरा यहाँ पे 1080 वाला डिस्प्ले है तो यहाँ पे मैं वही रख रहा हूँ। और दूसरी चीज़ है यहाँ पे DPI, अगर आपका माउस स्टक होता है या फिर ऑटो मूवमेंट होता है तो यहाँ पे DPI जो डिफॉल्ट पे आती है 240, तो आपको वही रखनी है, आपको DPI बढ़ानी भी नहीं है और कम भी नहीं करनी। मेरा यहाँ पे इतना इशू नहीं है ऑटो मूवमेंट या फिर माउस स्टक का, तो इसलिए मैं यहाँ पे डिफॉल्ट DPI नहीं रख रहा। बट अगर आप लोग सब कुछ यहाँ पे ट्राई कर चुके हो और फिर भी आपका ऑटो मूवमेंट हो रहा है तो यहाँ पे DPI का इशू हो सकता है, तो आपको DPI डिफॉल्ट जो 240 आती है वही रखनी है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे इसको क्लोज कर देना है और इसकी एंड्रॉइड की सेटिंग के अंदर जाना है। और यहाँ पे आपको एक चीज करनी है, एक्सेसिबिलिटी में जाना है, और यहाँ पे अगर आपने लार्ज माउस पॉइंटर ऑन कर रखा है तो इसको ऑफ कर देना है, ठीक है, इससे भी आपकी माउस स्टक हो सकता है। और अब चलते हैं हमारे लास्ट और फोर्थ टिप की ओर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आपने कभी देखा नहीं होगा बट उससे बहुत अच्छा फायदा होता है आपको। और वो चीज यूज करने के बाद मेरा अभी तक माउस स्टक कभी नहीं हुआ है, चाहे मैं कितनी भी मूवमेंट कर दूं या फिर कितनी भी ग्लू वॉल लगा लूं। तो चलो बताता हूँ वो वाली टिप कौन सी और उसको कैसे यूज करना है। इस टिप के लिए आपको वापस से गेम में आना है और वापस से कस्टम हुड में जाना है, और इस बार आपको एडवांस एडिटर ओपन करना है, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्क्रोल का, ठीक है। तो उसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है मैप के ऊपर, जहाँ पे आपने मैप रखा हुआ है टॉप लेफ्ट पे, वहाँ पे आपको इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। और उसके बाद यहाँ पे स्क्रोल की सेटिंग के अंदर जाना है और यहाँ पे एक आपको ऑप्शन मिलेगा एम्पलीट्यूड का, तो आपको एम्पलीट्यूड रखना है, आपको 0 कर देना है इसकी वैल्यू और इसको बंद कर देना है, बस हो गया यहाँ पे आपका काम। एकदम सिंपल यहाँ पे सेटिंग है ये, बट इससे आपकी जो माउस मूवमेंट है वो कम हो जाएगी, ऑटो मूवमेंट बिल्कुल नहीं होगी और माउस स्टक भी बिल्कुल नहीं होगा आपका।
और ये चीज मैं काफी टाइम से यूज कर रहा हूँ और काफी इफेक्टिव है। मैंने बहुत सारी यहाँ पे ग्लू वॉल लगाई है, बहुत सारे कस्टम खेले जिसमें मेरा पहले माउस स्टक होता था, अभी वो नहीं हो रहा है सिर्फ इसी रीजन की वजह से। तो ये जो सारी आपको चार टिप्स बताई वो एक साथ आपको ट्राई करनी है और उसके बाद देखना आपकी ऑटो मूवमेंट या फिर माउस स्टक का जो प्रॉब्लम है एकदम गायब हो जाएगा और आपका जो माउस मूवमेंट एकदम स्मूथ हो जाएगी। और अगर वीडियो पसंद आया, वीडियो में कुछ नया जानने को मिला, तो वीडियो को एक लाइक कर देना ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए। और अगर आपको पीसी फास्ट करना है, आपको लैग कम करना है, एफपीएस बढ़ानी है गेम के अंदर, तो उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, अभी आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। स्क्रीन के ऊपर वीडियो क्लिक करो, वहाँ पे जाके देख सकते हो, वहाँ पे सेटिंग मैंने बताई हुई है। और बस आज वीडियो में इतना ही था, मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।